जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया रहा था, आप लोगों को बताया गया था। तो मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, रिबन या मेनू बार बोलते हैं। अच्छा, इसको हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताइए, इसको हाइड अनहाइड करने की शॉर्टकट क्या क्या थे? कंट्रोल प्लस F1 बताया थे। यहाँ पॉइंटर ले जाएंगे, जब ये पॉइंटर है ना, देखिए क्या लिख रहा है, कोलैप्स करना, वही हाइड कर देना, खोल लेना, एक्सपेंड करना, कोलैप्स करना, क्या था, कंट्रोल प्लस F1 लिखिए। तो रिबन को हाइड या अनहाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का यूज करते हैं। क्या कंट्रोल प्लस F1 मिनिमम, इसको रिबन को हाइड करने के लिए, हाइड अनहाइड दोनों के लिए, दोनों के लिए कंट्रोल F1 दबाएंगे तो इसी से क्या होगा, हाइड भी हो जाएगा और इसी से वापस भी आ जाएगा, कंट्रोल प्लस F1 हो गया ठीक। और मैंने बताया था कि कोई भी फार्मूला करने से पहले क्या करते हैं, इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। अच्छा, डाटा लाने के लिए फार्मूला क्या होता है, रैंड होता है, क्या होता है, रैंड। और दूसरा क्या होता है थे, लॉरेम बने, ठीक है, लेकिन वो अपने साइड वाली इंग्लिश नहीं है इसलिए उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपको कंडीशन देता है कि दो पैराग्राफ लिए लेकिन उसमें दो ही सेंटेंस होना चाहिए, क्या पॉसिबल है, क्या करेंगे, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन 2,2 कर देंगे तो क्या होगा, ठीक, कोई बात, ठीक है। अब बाकी हम पढ़ेंगे टॉपिक, क्लिपबोर्ड फॉर्मेट प्रिंटर पढ़ लिए थे हम लोग, फॉर्मेट प्रिंटर पढ़े थे, बताइए मुस्कान स्टैंड अप बताइए, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, नहीं पता, त्रिपाठी आप खड़ी हो, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, पैराग्राफ को कॉपी करना हो, बैठ जाइए। मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए किसी पैराग्राफ की कोई फॉर्मेटिंग है, उस फॉर्मेटिंग आपको अच्छी लग गई, वो फॉर्मेटिंग क्या करना चाहते हैं, आप कॉपी करना चाहते हैं और कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करता है, फॉर्मेट प्रिंटर हेल्प करता है, आपको चीजें प्रोवाइड करता है, क्या कि आप किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेंगे और उसकी मदद से उस फॉर्मेटिंग को किसी अन्य पैराग्राफ पे, किसी अन्य लाइन पे, किसी अन्य वर्ड पे क्या कर सकते हैं, इजिली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर क्या है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज किया, क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कहां तक पढ़ लिए थे हम लोग, क्लियर फॉर्मेटिंग पढ़ लिए थे, अच्छा क्लियर फॉर्मेटिंग में एक फंडा था, क्या था बताइए, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता था, सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को बताए थे ना, उसके बैकग्राउंड को नहीं करता था, ये दिमाग में है ना बात, रखी रहेगा कि क्लियर फॉर्मेटिंग, लेकिन ये सिर्फ यहाँ है। अच्छा, मैंने बताया था कि इस टाइम तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस, अभी कौन सा ऑफिस चल रहा है CCC की बुक में, लिब्री ऑफिस याद आ रहा है, बताया थे ना लिब्री ऑफिस, तीनों इसी के पैटर्न है एमएस ऑफिस के, क्या है जो यहाँ पे हम लोग एमएस ऑफिस में आप वर्ड बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, राइटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राइटर। अच्छा, जो एमएस वर्ड में आप एक्सेल बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, कल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कल्क। और जो यहाँ पे पावर पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इम्प्रेस बोलते हैं, लिख लीजिएगा इम्प्रेस।
लिख के बताइएगा आप लोग, लिख लिए दिमाग में रखिएगा ये बात। और ट्रिपल सी में इसी को इंप्लीमेंट किया गया है, लिब्रे ऑफिस को पहले ये था। और कौन सा सा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है ट्रिपल सी में? अबंटू। हाँ अबंटू। देखेंगे आप लोग ट्रिपल सी की जो बुक लिखी हुई है उस पर लिखा होगा आपको अबंटू, जो ट्रिपल सी की आपको बुक मिली होगी उसपे लिखा होगा अबंटू, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है उसमें। ठीक है चलिए, अब अगला है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपने अलाइनमेंट पढ़ लिए थे हम लोग, अलाइनमेंट पढ़ लिए थे हाँ। अरे हाँ ना बताएंगे आप लोग कितने अलाइनमेंट होते हैं? चार। कौन कौन से? लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, वेरी गुड। बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट सेट रहता है? लेफ्ट रहता है, ठीक है। जस्टिफाई में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड की चीजें क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? अच्छा ये आपका लाइन स्पेसिंग है, क्या है? लाइन स्पेसिंग। ये क्या करता है? लाइनों की स्पेस को मेंटेन करता है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है लाइन स्पेसिंग? 1.15 होता है। कितना होता है? 1.15 होता है, ठीक है 1.15। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत है? चलिए उसके बगल में दिया हुआ है ये आपका कलर करने वाला, आप चाहे तो इसको कलर कर सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बगल में जो था वो टेक्स्ट हाईलाइटर था, टेक्स्ट को हाईलाइट करा था, कहीं ना कहीं गैप दिखता था। यहाँ बीच में देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ बीच में गैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? लेकिन वही कंट्रोल जेड किया मैंने, जूमिंग कम कर दिया, वही हम जब ये इसका यूज कर रहे हैं, किसका? कलर का, शेडिंग जिसे बोलते हैं। तो यही देखिए यहाँ पे जब यूज कर रहे हैं हम तो पूरा कंप्लीट कर रहा है, कहीं गैप छोड़ रहा है क्या? नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे ही आप अपने पैराग्राफ को भी कलर करना चाहते हैं, सिलेक्टेड पैराग्राफ को आप इजीली क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, देख रहे हैं ना? तो ऐसे ही ज्यादातर आप लोग देखेंगे एसएसटीज की बुक में, सोशल स्टडीज की जो बुक होती है उसमें ऐसे ऐसे फंड वगैरह होते हैं तरीका, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है। यहाँ तक कि अगर चाहते हैं आप इसको डॉक्स में रखना, टेबल में रखना, तो यहाँ पे एक बॉर्डर वाला ऑप्शन बना हुआ है, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, देखिए ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, देख सकते हैं आप, दिख रहा है? बस सिलेक्ट करिए और बॉर्डर लगा दिए, सिलेक्ट करना है और बॉर्डर लगा देना है, हो गया बॉर्डर कर लेंगे। अच्छा उसके जस्ट ऊपर दिया हुआ है A to Z, क्या दिया हुआ है? इसको बोलते हैं सॉर्ट। क्या बोलते हैं? सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। मतलब कि आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में कि जो अटेंडेंस होते हैं वो नाम के हिसाब से होते हैं, मतलब अल्फाबेट्स के हिसाब से होते हैं, पहले ए बच्चे का नाम, फिर बी वाले का, फिर सी वाले का, ऐसे ही रोल नंबर बनाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे मैं दो चार नाम लिख लो, कंट्रोल से नया पेज ले लिया, मैं दो चार लोगों का नाम, दो चार बच्चे नाम बताया अपना, जल्दी जल्दी वॉइस विवेक अमन आराम से अनुराग अंकित बबलू हाँ बताओ भाई हाँ अनूप आलोक बोले हो आलोक, चलो ठीक है आलोक और मोनू एक दूसरे का बोल रहे हैं सर दोस्ती सुहेल यस यस लिखते हैं बाबू सुहेल यस ये आप लोग स्पेलिंग एक ही नाम तीन चार बार लिखते हैं आप हम जान रहे थे कुछ जरूर गड़बड़ हो जाएगा सुहेल ठीक है चलिए और कोई आकिब एक डबल ही लिखते हैं KIB और बताइए बस
सोनू और सीओम रहने दीजिए तुम्हें। अच्छा मैंने ऐसे रेंडमली नाम तो लिख लिया, लेकिन सडनली सर आए और देख लिए, बोले कि नाम ऐसे मत लिखिए, अल्फाबेट का लिखिए। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि या तो इसको हम मिटाए दोबारा टाइप करें, या फिर हम थॉट के बारे में अगर अच्छे से जानते होंगे उसका यूज कर पाए। जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत में, किसको, अभिमन्यु को, वो चक्र में तोड़ने का तो जानते थे, अंदर जाने का लेकिन निकलने का रास्ता नहीं आता, तो फाइनली हुआ क्या, उनकी डेथ हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे कि एमएस वर्ड पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, किस ऑप्शन का क्या यूज है और कौन सा अपने साइड में यूज है उसको देखिए। कई ऑप्शन ऐसे भी है सॉफ्टवेयर ने बनाया, अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया, पर्सनल चीजों के लिए बनाया, इसको बहुत ज्यादा जानकारी जरूरत नहीं है। हमें वही देखना है जो हमारे साइड में यूज है ज्यादातर, जिसका हम यूज करेंगे, जिसको हम देख के जान जाए कि हम एमएस ऑफिस का प्रोफिशिएंट है, हमें आता है ऐसा। तो एक ऑप्शन यही है कि इस टाइम या तो हम मिटा के लिखे, दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि शॉर्टकट। अच्छा देखिए लॉजिक अगर लगाया जाए, तो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, जाहिर सी बात है ई वालों का नाम आएगा। सबसे पहले किसका नाम आएगा, ई वालों का। ई वालों कितने लोग, अमन, अनुराग, अंकित, आलोक, आर्यन, आकिब और सीओ। अब इस हिसाब से सबसे पहले सीओ नहीं, सॉरी, किसका नाम पहले आएगा। तो देखिए तीनों में एक कॉमन है, एक कॉमन है ना, तो पहले लेटर को ड्रॉप कर दीजिए, दूसरे लेटर चलिए, यम पहले आएगा, यन, यन, यल या ए, यानी पहला नाम आएगा आकिब का, पहला नाम। दूसरा किसका आएगा, एम, यम, यन, यानी यम पहले आएगा, यानी अमन का। कैसे अंकित का आ जाएगा, यम के बाद यन आता है ना, तुम लोग पागलों को लोग हो क्या, यम के बाद यन आता है ना, तो पहले यम आएगा ना, यम आएगा तो पहले अमन ही ना आएगा, तब यन आएगा। यन में अब दो लोग मैच कर गए, अंकित और अनुराग, अब पहले किसका आएगा, अंकित का ही आएगा, क्योंकि तीसरा लेटर यू है और के है, कौन सा पहले आएगा, के आएगा। एक मिनट, आलोक आएगा ना, दूसरा ये भी नहीं होगा, तब यही होगा, आलोक ही होगा, क्योंकि यल है ना, यल यम बाद में आता है। अब तीसरा पे हो गया, चौथे पे अंकित, अंकित हो गए, अब पांचवे पे अनुराग, अनुराग हो गए, आर्यन भी है, लास्ट में होंगे छठे पे, उसके बाद कौन बचला, बबलू है सातवें नंबर पे, आठवें पे कौन होगा, अब यस वाले आएंगे, यस में सोनू है, शिवम है और सुहेल है, तीनों का यस है, लेकिन पहले किसका आएगा, शिवम का, यस यस है ना, उसके बाद किसका आएगा, सोनू का, तब किसका आएगा, सुहेल का, अरे यम तो छूटा हुआ है भाई, ये भी पहले आएगा और लास्ट में आएगा विवेक। सारा पैटर्न सही है, चलिए चेक कर लेते हैं, मतलब समझ में आ गया ना। ओवरऑल हमारे हिसाब से नॉर्मली पहला ही आएंगे, पहला नंबर, दूसरा कौन होगा, आलोक, तीसरा कौन होगा, अमन, चलिए अमन, चौथा कौन होगा, अंकित, पांचवा कौन होगा, अनुराग, छठा कौन होगा, आर्यन, सातवा कौन होगा, बबलू, आठवां मोनू, नौवां शिवम, दशा सोनू, ग्यारहवां सुहेल और बारहवां, यानी लास्ट में कौन आएगा, विवेक। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं पैटर्न। तो आपको बस करना क्या है, आपको बस सेलेक्ट करना है सारे नाम को, सारे नाम को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ ना ए टू जेड पे दो ऑर्डर यूज करते हैं हम, एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड के फॉर्म में, और डिसेंडिंग का होता है जेड टू ए का फॉर्म। कौन सा फॉर्म लेंगे, असेंडिंग की डिसेंडिंग, ओके कर दीजिए। देखिए तो सब सेट हो गया, सब सेट हो गया। अगर कोई कहता है नहीं जेड से ए के फॉर्म में चाहिए, तो क्या करेंगे, बस डिसेंडिंग कर दीजिएगा और कुछ नहीं। अब पहला नाम किसका आएगा, लास्ट में किसका जाएगा, लिख लीजिए, तो लिख लीजिएगा आप लोग भी इस तरह ए टू जेड लिख के। इससे क्या करते हैं, हम किसी चीज को सॉर्ट करते हैं, यानी अल्फाबेटिकल करते हैं। एक लाइन जरूर लिख लीजिए ए टू जेड वाला, लिख के ऐसे सिंपल ऐसे बना लीजिए आप लोग भी, ऐसा ऐसे ऐसे सिंबल बना लीजिए आप लोग।
क्या हुआ? ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। लिखना क्या है? कौन पूछ रहा है? हेलो, खड़े जाओ। हेलो, खड़े हो जाइए। क्या पूछे हैं? गजब वाले, यानी पढ़ा रहे तो आप लोग का मन नहीं लग रहा है ना? हाँ, लिखा हुआ A to Z फॉर्म का, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट एंड फिल्टर बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। उससे होता क्या है, हम किसी भी पैटर्न को क्या कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल कर सकते हैं A to Z के फॉर्म में, या Z से A के फॉर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन क्या वर्ड यूज करेंगे? असेंडिंग और डिसेंडिंग। लिख लीजिए, बैठ जाइए। या हो गया। उसके बगल में दिया हुआ है ए, इसको बोलते हैं सो और हाइड। लिखिए तो इस सिंबल, थोड़ा जूम कर दूं, लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं सो और हाइड, सिंबल बना लीजिए आप, उसका नाम लिखिए सो और हाइड। उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस स्टार, लिखा हुआ है सब, देख लीजिए जल्दी से। इसको बोलते हैं सो और हाइड। सो आर है, आर स्लैश से यूज किया गया, स्लैश। क्या लिखा है? सो हाइड, स्लैश करके लिखे सो आर हाइड, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्टार एस्ट्रिक। बताऊंगा मैं, पहले लिख लीजिए क्या। अरे पहले नाम तो लिख लीजिए, अभी बताऊंगा ना, पढ़ाने जा रहा हूँ। सोरहाइड हो गया। इस लोगो को पाई, वो आपने देखा नहीं होगा, पाई के तौर पे यूज करते हैं। सोरहाइड बोलते हैं स्टार्ट, शॉर्टवर्ड की क्या है? कंट्रोल प्लस स्टार। इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज तब उस कंडीशन में किया जाता है कि कभी कभी हम जब आगे पढ़ेंगे रिफरेंस टैब वगैरह में, तो जब हम मार्क एंट्री मार्क सिटेशन का यूज करेंगे तो हमारे पेज पे अनवांटेड सिंबल्स आ जाएंगे, डॉट लग जाएगा, पाई लग जाएगा। वैसी कंडीशन में ये हेल्प करता है, इसको बंद करना पड़ता है। या ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने स्पेस दबा, देखिए सामने हमने स्पेस दबाया, ठीक है, इंटर दबा दिया, टैब दबा दिया, इंटर दबा दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हम कितनी बार टैब, कितनी बार इंटर, कितनी बार स्पेस दबाए, कैसे बताएंगे? तो ऐसे बताएंगे, बस इस पे क्लिक करेंगे तुरंत दिख जाएगा, जितनी बार डॉट है उतनी बार आपने स्पेस दबाया है, जितनी बार पाई बनाया उतनी बार आपने इंटर दबाया है, और जितनी बार एरो बनाया उतना बार टैब बटन दबाया। लिख सकते हैं आप लोग, एरो किसको इंडिकेट कर रहा है? टैब बटन को। पाई किसको इंडिकेट कर रहा है? इंटर को। और डॉट स्पेस को। लिख लीजिए। तो दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए, और ए आपने पढ़ा था इंडेंट के बारे में पिछली क्लासेस में, इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। क्या ये इसके इधर आएगा मार्जिन में? नहीं आएगा। सिलेक्ट करिए, देख रही डिक्रीज काम करिए, देखिए काम कर रहा है, नहीं करेगा। और इंक्रीज काम करेगा, अब डिक्रीज काम करेगा, तो यही है इंडेंट के बारे में। कोई दिक्कत? इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
जी सर, हाँ बताया था।